सामने आया सच। पॉलिथीन बनी दुश्मन, गौ माता की दुश्मन। गौ सेवक ही समझ सकते हैं गौ सेवा। प्रशासन को करना चाहिए पॉलिथीन बैन। शिवपुरी शहर के लुधावली क्षेत्र में स्थित गौशाला में गायों की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज इस मामले को लेकर कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन देकर गौशाला में हुई गायों की मौत के लिए नगरपालिका प्रशासन के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस ने गौशाला में हुई गायों की मौतों के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि गौशाला में गायों की मौत भूख प्यास से तड़प तड़प कर हुई है। इस मामले में नगरपालिका द्वारा पशु चिकित्सा विभाग से कराई गई जांच में बड़ी बात सामने आई है। गायों की पीएम रिपोर्ट के बाद ये साफ हुआ है कि इनकी मौत ज्यादा पॉलिथीन खाने से हुई है। गायों के पेट में 25 किलो तक पॉलिथीन पाई गई है। बताया जाता है कि बाहर से यहां भर्ती की गई गायों की मौत पॉलिथीन खाने के कारण हुई है। बछड़े में 15 किलो तक पॉलिथीन गौशाला में गायों के मृत होने के बाद जब डॉक्टर ने पीएम किया तो बताया कि बछड़े में 15 किलो पॉलिथीन पाई गई, गाय में 25 से 30 किलो पॉलिथीन पाई गई है। जब उन्होंने मृत गायों के पीएम किए तो उनके पेट से अधिक मात्रा में पॉलिथीन पाई गई। इसलिए गायों की मौत के मामले में कोई बीमारी का संकेत नहीं है, बल्कि पॉलिथीन खाने से जो गाय गौशाला में भर्ती होती है उनके खान पान में बदलाव होने से वे पाचन क्रिया नहीं कर पाती, इसके चलते गायों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। सर, गौशाला में कुछ गायों की मौत का मामला सामने आया है जी, और आपने उन गायों का पीएम किया है जी, क्या कुछ पाया आपने पीएम? आज दो पशुओं का सब परीक्षण किया गया था, तो जब हमने उनको निकलवाया तो लगभग जो है ना 20 से 25 किलो पॉलीथीन प्लास्टिक बैग वगैरह ये सभी निकला उनके पेट में, और कुछ थोड़ा मात्रा में भूसा भी मिला था उसे। अच्छा, उनकी मौत का क्या कारण रहा? मौत का यही है, जो गौशाला में जानवर आते हैं वो एक्सीडेंटल आते हैं, कुछ बीमार भी आते हैं, तो जब एक्सीडेंटल है तो हो सकता है कि स्पाइनल इंजरी होती है, कुछ भी होता है, तो जानवर उठ नहीं पाता, बैठे बैठे खाता है। दूसरा ये है कि जब जानवर गौशाला में भरपूर मिल रहा है खाने के लिए उनको, ठीक है, रोड पर जब चलते फिरते रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं, उसको पचाते भी रहते हैं। एक जगह जब जानवर खाता है और घूमता रहता है वहीं पे गौशाला में, तो पेट भर जाता है ज़्यादा, उसके कारण जो है ना उनका पाचन नहीं हो पाता, पाचन नहीं हो पाता है तो जानवर बैठ के रह जाता है, पेट भी फूलता है उसका, ये सब कुछ होता है जिसके कारण फिर वो बैठे बैठे और फिर उसकी रिकवरी नहीं हो पाती, उसका उपचार चलता है। क्योंकि जो है जब 20-25 किलो पॉलीथीन भरी हुई है पेट में तो फिर दवाइयाँ भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं। अच्छा, बताया जा रहा है क्या बोलते हैं कि भूख की वजह से मौत हुई है? नहीं नहीं, भूख की वजह से नहीं है, भरपूर उनको गौशाला में भूसा मिल रहा है और दाना भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ है उसमें। लेकिन क्या है कि भूख से मरती है तो प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक मेन कारण देखा जा रहा है, जो उसमें बीमार तो होते ही है पशु, भूसा खा रहे हैं, सूखा जो चलता है तो पेट में गैस ही बनती है उसके कारण। पॉलीथीन है काफी मात्रा में, फोटो हमने अभी पीएम किया था सुबह, तो उसमें काफी मात्रा में पॉलीथीन है। कल हमारी गाय, सुबह मुझे पता चला कि गौशाला में गाय खत्म हुई है, तो मैं तुरंत यहाँ सुबह गौशाला आ गई और मैंने डॉक्टर साहब को भी बुला लिया था, कुछ पत्रकार भाई पहले से ही आ गए थे तो यहाँ पर सब लोग थे। जब मैंने आके देखा तो हमारे यहाँ 6 गाय मरी हुई थी, परसों दोपहर में 3 गाय ख़त्म हुई थी और 3 गायों ने मेरे सामने हमारे डॉक्टरों के सामने दम तोड़ा। ये गाय शहर से हम जो बीमार गायों को उठा के लेके आते हैं और उनका यहाँ पे इलाज करते हैं, तो ये जो शहर से आने वाली गाय होती हैं ये पॉलीथीन खाए हुए होती हैं, और जब हम यहाँ उनको लेके आते हैं उनका इलाज करते हैं तो ये वो 6 गाय थी जो इलाज के दौरान मरी हैं, उनको हमारे डॉक्टर नहीं बचा पाए, इनका कई दिनों से इलाज चल रहा था, ये वो 6 गाय थी।